क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक में देखना ध्यान से क्या रीड आउट किया है कैसे डायग्राम बनाया है। A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. एक काइट है जो ग्राउंड से कितने मीटर डिस्टेंस पर उड़ रही है 60 मीटर यानी ये ए बी जो डिस्टेंस है काइट की पोजीशन क्या है ये कितने डिस्टेंस पर है ग्राउंड से 60 मीटर तो ए बी हो गया हमारे पास 60 मीटर। नेक्स्ट क्या है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेंपरेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन इज टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री ग्राउंड के साथ जो इसका इंक्लिनेशन है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है एसी तो लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एसी जो हमें फाइंड आउट करना है ए बी 60 हो गया ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो आपको फाइंड आउट करना है वो यहाँ न्यूमिनेटर में रखना है जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में रखना है उल्टा भी रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ए सी अपॉन ए बी ये है हाइपोटेन्यूस ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेकेंट थीटा ये हो जाएगा कोसेकेंट 60 साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2 तो कोसेकेंट हो जाएगा 2 बाई रूट 3 AB की वैल्यू आपको गिवन है 60 यहाँ 60 रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये हो गया आपका 120/√3 यहाँ बाई में √3 है जिसको रेशनलाइज करना है √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड √3 और √3 क्या बन जाएगा 3 120/√3 ये कितना हो जाएगा 40√3 तो आपका जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आपको फाइंड आउट करनी थी वो आ जाएगी 40√3 मीटर क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 अ 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये यहाँ पर कोई मैन खड़ा है जिसकी हाइट दे रखी है कितनी 1.5 मीटर वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है ये डिस्टेंस हमें नहीं पता एट सम डिस्टेंस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है उसने कितनी है 30 मीटर। नेक्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 टू 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग आई से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग तो आई से जो एंगल निकालना ये फर्स्ट 60 जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ गया तो एंगल हमेशा इंक्रीज होगा ये ध्यान रखना है जितना हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे दूर जाएंगे उतना एंगल डिक्रीज होगा और जितना इस तरफ आएंगे एंगल इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर कितना 90 डिग्री तो ये 30 है यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना एंगल हो गया 60 डिग्री आपको निकालना क्या है वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग जितनी डिस्टेंस वो बिल्डिंग तक की ओर गया यानी वी हैव टू फाइंड बीसी बीसी कैसे आएगा पहले कंप्लीट बीडी निकालना है फिर सीडी निकालना है बीडी में से अगर सीडी माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा बीसी दो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल में हमने ये सारा रिटर्न वर्क भी करना है लेट ए बी बी द बिल्डिंग एंड बी क्यू बी द हाइट ऑफ द बॉय ये एंगल गिवन है आपको ये टोटल 30 है ये 1.5 है तो जो एंगल बन रहा है वो कहां से बन रहा है आई ऑफ द ऑब्जर्वर तो यहां से बन रहा है तो ये डिस्टेंस माइनस हो जाएगी 30 माइनस 1.5 तो जो डिस्टेंस ए बी है वो कितनी रह जाएगी 28.5 30 माइनस 1.5 28.5 व्हाट वी हैव टू फाइंड बीसी कि वो यहाँ से कितने डिस्टेंस उसने कवर की जब एंगल 30 से 60 हो गया एंड राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी ए बी डी ये कंप्लीट ट्रायंगल लिया हमने क्या हो जाएगा बीडी अपॉन एबी बी डी बेस ए डी क्या बनेगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा वो टेंजेंट थीटा cos 30 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 28.5 हमने निकाला था ये आ गया 28.5 √3 नेक्स्ट है ट्रायंगल एसीडी एसीडी ये 60 डिग्री वाली ट्रायंगल ही हमने क्या फाइंड आउट करना हमने सीडी अपॉन एडी सेम बन गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट 60 cos 60 की वैल्यू 1/√3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब हमें फाइंड आउट करना था बीसी बीसी क्या बन जाएगा ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो जो बीसी है वो बन जाएगा बीडी माइनस सीडी दोनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं सिंपल वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर 28.5 कॉमन आ जाएगा √3 - 1/√3 एलसीएम कितना आ जाएगा √3 √3 * √3
कितना हो जाता है 3, 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई की, यहाँ फिर बाय में रूट 3 है तो क्या करेंगे रेशनलाइज, रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड, ये बन जाएगा आपका 3, ये आ गया आपका 19 रूट 3, दैट मींस डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 रूट 3 मीटर। क्लियर? 7th का डायग्राम बता दीजिए कैसे बना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. एक building दे रखी है BC. पहली line क्या लिखेंगे? Let BC be the building of height 20 meter. इसके ऊपर एक transmission tower है, that is AB. अब इस transmission tower का bottom से angle दे रखा है, इसके top का और इसके bottom का. टावर के टॉप का एंगल है 60 डिग्री और टावर के बॉटम का एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, दैट इज एबी, यानी एच निकालना। तो दो ट्रायंगल लेंगे, कौन सी लेंगे? सबसे पहले आप लेंगे ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी में आपके पास बीसी है, क्या निकाल सकते हैं आप? सीडी एंड ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे बीसीडी, यहां से फाइंड आउट करना आपने सी। उसके बाद दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे? ए सी डी। ऐसे बीच में से ट्रायंगल नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल ही लेनी है। तो कंप्लीट ट्रायंगल क्या बनेगी? ए सी डी। ए सी डी में जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? एच प्लस 20 और अपोन में क्या आ जाएगा? एच प्लस 20 अपोन सी डी। क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपोन बेस, क्या होगा? टेंजेंट थीटा। इसका एंगल कितना है पूरी ट्रायंगल का? 60 डिग्री, यहाँ जाएगा टेंजेंट 60। यहाँ सीडी की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्रीवियस में, वो यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी हाइट की। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, फिर 8 खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू।